मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज आजमगढ़ दौरे पर गए हैं और मीडिया में आ रहा है कि जो आजमगढ़ समेत पूरे उस बेल्ट में जो यादव मतदाता है उसको 2024 के लिहाज से ये बैठकें वो करेंगे, कुछ 5 लोकसभाएं करेंगे। सवाल इस बात का है कि मोहन यादव से हमारा एक सवाल है कि एक तरफ जो है दिल्ली कूच कर चुका है किसान, और उनके ही प्रदेश में जो किसान विभिन्न प्रदेशों से आ रहे थे उनको उन लोगों ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया। तो मोहन जी एक तरफ गिरफ्तार कर लिए किसान को और आजमगढ़ आए हैं, और आजमगढ़ जहां पर आए हैं वहां जिस मंदूरी हवाई पट्टी पे उतरे हैं उस हवाई पट्टी पे बगल में ही जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जो किसानों की जमीन छीनी जा रही थी उसके खिलाफ वहां पर महिलाएं किसान मजदूर आंदोलनरत हैं पिछले 1 साल से भी अधिक समय से। क्या मोहन यादव जी को वक्त मिला वहां पर जाने का? क्यों? क्योंकि उनके जो लोकल सांसद निरहुआ है उनके पास तो वक्त नहीं है, और लोकल सांसद निरहुआ के पे इतना वक्त नहीं बल्कि वो तो बोलते हैं कि वहां पर जो महिलाएं पुरुष बैठे हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। आजमगढ़ जो आते हैं, आजकल बीजेपी बनारस और गोरखपुर मीटिंग न करके आजमगढ़ मीटिंग कर रही है और इस लिहाज से कर रही है कि हम आजमगढ़ को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम जानते हैं आजमगढ़ को प्राथमिकता नहीं, जो आपका जो सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ है उन्होंने बोला था कि आजमगढ़ के लोग मनबढ़ है, इनका घुटना तोड़ दीजिए, इनको मार करके ऊपर भेज दीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए। तो जो इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजियां की थी आप दरअसल उसको मोहन यादव के जरिए या इस तरह की मीटिंगों के जरिए आजमगढ़ में आप इसको जो है तमाम सवालों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आजमगढ़ के लोग बखूबी जानते हैं कि आप किसान विरोधी हैं, 1 साल से अधिक समय से किसान जिस तरीके से जो है दिल्ली बॉर्डर में बैठा था आजमगढ़ में भी बैठा है, वहां पर भी आप का जो किसानों के प्रति आपका जो है भाव था वो लगातार किसान विरोधी था, और आजमगढ़ में भी आपका भाव किसान विरोधी है। दूसरी तरफ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनें छीनी जा रही है वहां पर भी जो किसान जा रहा है, और उसमें साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी से कि मोहन यादव जी आप जिस जाति को लेकर आपको भाजपा राजनीति करा रही है उस जाति के लोगों की सबसे ज्यादा जमीनें जा रही है, तो क्या मोहन यादव जी आप जा रहे हैं तो आप उन लोगों से मिलेंगे? क्यों? क्योंकि आपके मंत्री नरेंद्र तोमर हुआ करते थे और जो कि कहते थे कि भैया भारत का रास्ता रोडों से जाता है, एयरपोर्टों से जाता है, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से जाता है लेकिन वहां रोडों से जाता है। सूर्य प्रताप शाही जी वहां के प्रभारी मंत्री रहे, वो गांव गांव चौपाल करते हैं लेकिन जहां जहां पर आंदोलन किसान कर रहे हैं, जहां जहां उनकी मांग है, डिमांड है कि आप हमारी जमीन आप मत छीनिए हमसे, वहां पर वो नहीं जाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और मोहन यादव जी आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप सिर्फ जाति के नाम पर नहीं आ सकते हैं। आप बताइए जातिगत जनगणना के सवाल पे आपका क्या स्टैंड है, सोशल जस्टिस के सवाल पे क्या स्टैंड है, आप क्या संघ के उसी सांप्रदायिक फासीवादी एजेंडे पे चलने वाले व्यक्ति हैं, हम तो जानते हैं यही बात है। दूसरा सवाल, आप लगातार जो अडानी अंबानी के जो आपकी सरकार यार है और जो आपके बहुजन जो समाज है, जो दलित है, ओबीसी है, उसकी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रही है, उस पर तो क्या स्टैंड है? उत्तर प्रदेश में जब आप आ रहे हैं, अभी मालूम चला कि बिहार भी आपको भेजा जा रहा है, तो बताइए ना मोहन यादव जी कि यहाँ पर जो आरक्षण में घोटाला हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला होता है आरक्षण का, यहाँ पर EWS के नाम पर जो है सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो दलित ओबीसी अनुसूचित जनजाति है उसके उनको जो है नॉट फॉर सुटेबल करके उनकी नियुक्तियों उनके नहीं होने दी जा रही है, तो आप इन सवालों को क्या भूल पाएंगे, एड्रेस क्या कैसे करेंगे? सिर्फ जाति के नाम पर आप ये जो गुलबंदी कोशिश कर रहे हैं ये जाति के नाम पर गुलबंदी नहीं हो सकती है, और साफ तौर पर है कि आपको ठोस सवालों पर बातचीत करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो किसान आंदोलन इस दौर में चल रहा है, जो MSP की मांग है, चाहे तमाम जो उनकी डिमांड है, उन डिमांड्स पे भाजपा को आपको क्लियर स्टैंड आपको करना पड़ेगा।
हम तो नहीं जानते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, जब तब हमें मालूम चला कि आप आपने वहां के नेता हैं। इतना क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो ओबीसी है, इस वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए, और साफ तौर पर यही भाजपा है, यही भाजपा ये कहती थी कि दो को छोड़ सबको जोड़, ओबीसी और दलित की जो एक एक प्रमुख जातियां थी उनको छोड़ करके, और उनके ऊपर आरोप लगाती थी, और आप जिस जाति के हैं उसके ऊपर भी आरोप लगता था, यही सब खा गए। और आज जब बिहार में जनगणना आई तो सबके सामने आ गया है। तो सवाल इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश में जब आप आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुआ है ओबीसी दलित माइनॉरिटी का, तो क्या मोहन यादव जी आप इस पर बोलेंगे? आजमगढ़ जिस जिले में गए हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुआ है, बड़े पैमाने पर बुलडोजिंग हो रही है, लोगों के घरों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया जाता है, नस्ता नाबूद कर दिया जाता है। तो तमाम सवाल है ये, सिर्फ और सिर्फ आप इस बात पे भाजपा अगर मुगालता पाल के रख ली है कि जात के सवाल को किसी उसके लीडर को ला करके खड़ा करके हम उन जातियों को जो है अपने साथ गुलबंद कर लेंगे, तो ये भाजपा ये मुगालता भूल जाए। क्यों? क्योंकि ये जातियां जो है इनको अपने हक अधिकार के सवाल को मालूम है कि आज मालूम हमें है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, ये संविधान के बल पे हम इस देश। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।